हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर सी एप्रन। तो चलिए एप्रन बनाना शुरू करते हैं। एप्रन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 मीटर कपड़ा। ये थोड़ा प्रिंटेड कॉटन कपड़ा है, आप एप्रन बनाने के लिए कॉटन कपड़ा ही यूज करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो एप्रन की लेंथ ली है वो है 31 इंच, और जो इसकी हम विड्थ लेंगे मतलब चौड़ाई, वो मैंने लिया है यहाँ पे लगभग 11 इंच। मैं यहाँ पे एप्रन के ऊपर के भाग की कटिंग करने जा रही हूँ, तो हमें कॉर्नर से 5 इंच पे निशान लगाना है। फिर इस तरीके से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर देखिए, इस तरीके से हमें 5 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ से इसको एक लाइन खींच देनी है कुछ इस तरीके से। देखिए, मैंने इस कॉर्नर से यहाँ पे 2 इंच लिया है। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आप इसको 3 इंच रखिए। अब हमें इसको हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसको कॉर्नर से मिला देना है। अब हमें इस पूरे पोर्शन को काट के निकाल देना है। देखिए, हो गई हमारे एप्रन की कटिंग। कि मैं अब इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये है। अब हमें इसके पूरे साइड सिलाई लगानी है। तो देखिए, मैं सिलाई कुछ इस तरीके से फोल्ड करके लगानी है। इसी तरीके से सिलते हुए हम पूरे चारों साइड सिल देंगे इसको। अब मैंने यहाँ पे एप्रन की जो डोरी है उसकी कटिंग की है। तो जो उसकी लेंथ है मैंने यहाँ पे 20 इंच रखी है, और जो विड्थ है वो लगभग 3 इंचेस रखा है। इस तरीके की डोरी हमें 3 कट करनी है। एक तो हमें नेक के साइड लगानी है, और 2 पीछे ऐसे बांधेंगे। देखिए, हम इसकी अब चल रहे हैं सिलाई करने। देखिए, हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करके, पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे। ये जो हम एप्रन की जो सिलाई लगाएंगे, ये देखिए एप्रन का जो उल्टा साइड है वो मैंने ऊपर के साइड रखा है, और जो सीधा साइड है वो नीचे के साइड है। देखिए, कॉर्नर पे हमें कैसे फोल्ड करना है। थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार और। हमें इसके पूरे किनारे तक सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ा सा छोड़ के फिर ऐसे ऊपर के साइड करके सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमारा जो कर्व पार्ट हमने कट किया था, मैं उसकी सिलाई कर रही हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे इसके जो साइड वाला पार्ट है उसकी सिलाई, इसी तरीके से हमें पूरे एप्रन की सिलाई कर देनी है चारों साइड से। Thank you.
तो देखिए मैंने जहां से सिलाई करना स्टार्ट किया था मैं वहां से सिलते सिलते आ गई हूँ। तो बस देखते हो गई हमारे एप्रन की सिलाई। बस अब हमें इसमें डोरी अटैच करना है। देखिए मैंने चारों ओर सिलाई लगा दी है इसमें। देखिए अब हम चल रहे हैं यहाँ पे डोरी की सिलाई करने। जो डोरी के नीचे वाला पार्ट है वो सीधा साइड है और जो इधर ऊपर रखा है मैंने ये उल्टा साइड है। तो पहले हम साइड में थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और फिर इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगानी है। ध्यान दीजिएगा आप एप्रन की जो डोरी वो बहुत ज्यादा पतला मत सिलिएगा। देखिए मैंने इसी तरीके से तीनों डोरियों को सिल दिया है। अब हम इसको एप्रॉन से अटैच करेंगे। देखिए हमें अटैच कैसे करना है। जो कर्व वाला पार्ट था दोनों कर्व पार्ट के बीच में ये जो हल्का सा स्पेस बचा है हमें वहीं पर अटैच करना है डोरियों को। ये नेक वाला पार्ट है। देखिए इसी डोरी से हमें जो उसका दूसरा वाला साइड है उसी को हमें इधर इस तरीके से अटैच करना है सेम डोरी में। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो नेक वाला पार्ट था एप्रन का वो रेडी कर लिया है। अब हम इसको जो पीछे हम डोरियों को बांधते हैं अब वो अटैच करेंगे डोरी। देखिए वो कहाँ अटैच करना है, ये जो कर्व वाला पार्ट जहाँ खत्म होता है हमें वहीं पे वो दूसरी डोरी अटैच करनी है। देखिए एप्रन का जो दूसरा वाला साइड है अब हमें वहां पे भी एक डोरी अटैच करनी है। तो देखिए हमारा एप्रन बनके एकदम रेडी हो चुका है। देखिए इसका पूरा लुक कुछ इस तरीके का है। एप्रन बनाते वक्त आप एक बात तो का ध्यान रखिए कि एप्रन हमेशा कॉटन के ही कपड़े का बनाए और कोशिश करें कि वो प्रिंटेड कपड़ा रहे, क्योंकि आप प्लेन कपड़े लेंगे तो उसमें दाग वगैरह बहुत जल्दी दिखेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।